नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज बनाते हैं हम सबकी फेवरेट दाल तड़का। तो पहले मैं कुकर में दाल डाल के, आपको जितनी बनानी है उतनी आप डालिए, मैंने यहाँ 1 से 2 कप लिए हैं, इतनी डाल के इसमें पानी डाल के थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक डाल के इसमें कम से कम हम 4 से 5 सीटी लगवाएंगे। 4 से 5 सीटी लगने से दाल जो है अच्छी तरीके से पक जाएगी, गल भी जाएगी। आप चाहे तो इसे पहले आप इसे पानी में फुला के आप रख सकते हैं, जैसे चना वगैरह फुलाते हैं 1 घंटा पहले। उसके बाद मैं यहाँ सब्जी काटने की तैयारी करती हूँ, जिसमें मैंने लिए हैं 2 प्याज, 1 टमाटर और लहसुन और अदरक। यहाँ सीटी दे चुकी है। सीटी देने के बाद मैं यहाँ तड़के की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं ऑयल में डालूँगी, सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ। इसमें मैं डालूँगी 1 लाल मिर्च साबुत, जीरा। उसके बाद ये जब अच्छी तरीके से लाल हो जाएंगी, लाल हो जाने के बाद हमने जो भी सब्जियाँ काटी थी जैसे कि प्याज टमाटर, तो ये सब हम इसी में डाल देंगे अच्छे तरीके से। जब ये लाल हो जाएंगी तब ये डालने के बाद देखिए यहाँ धुआं पे धुआं निकल रहा है, इसका मतलब कि ये अब लाल हो रही है। इसमें अब हम डालेंगे प्याज, उसके बाद डालेंगे टमाटर। टमाटर के बाद जब इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे, थोड़ी सी लाल हो जाएगी, तो इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट जो मैंने कूट के रखी थी, क्योंकि थोड़ी सी में वो पिसती नहीं है, तो मैं इसे सिलबट्टे में या फिर इस कूटने वाले में मैं इसे कूट देती हूँ। देखिए मैं यहाँ अच्छे तरीके से इसे भून रही हूँ और टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल जानी चाहिए, नहीं भी गलेंगी तो ऐसा है कि इसमें स्वाद अच्छा आता है, टमाटर से बिना टमाटर के अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद मैं यहाँ मसाले डालूँगी, जैसे कि हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च 1 से 2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च है तो और भी अच्छा है, उससे रंगत आती है। इसके बाद मैं यहाँ डालूँगी बस, और मसाले में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, थोड़ा सा जीरा गोल मिर्च के जो पीस कूट के हमने बनाई थी वो डाली है, तो और हल्की सी नमक डाल के इसे फिर हम इसे ढक के छोड़ देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए, ताकि जो प्याज है वो गल जाए और जो टमाटर है वो भी अच्छी तरीके से पक जाए। तो इसे अच्छे से चला के इसे भून के फिर हम इसे जो है ढक के इसको जो है छोड़ देंगे। ढक के छोड़ने के बाद हमारे मसाले हल्की से हम चलाएंगे, जिसे भून लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद जो हमने दाल उबाली थी उसे उसी पानी सहित हम उसे इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद मैंने इसमें हल्की सी गरम मसाला डाली है, आप भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ गरम मसाला डाल के हम इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे, फिर इसे 5 मिनट ढक के छोड़ देंगे। इसके बाद इसमें देखिए तेल छोड़ चुकी है, तो इसका मतलब ये पक चुकी है, ये अच्छे तरीके से बॉयल भी हो चुकी है और हमारी जो भी चना गले नहीं होंगे वो भी अच्छे तरीके से गल गई हैं। यहाँ आप अपने चावल रोटी किसी के साथ भी ये इंजॉय करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।